न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में बच्चों की तरबियत में खानदान का किरदार मौजू लेकर नाज़रीन आपकी खिदमत में सैमसन जावेद और आज की मेज़बान अक्सा कमल हाजिर हैं। और आज की दोनों अहम शख्सियात मोहतरमा नबीला फरोज भट्टी साहबा और क्रिस्टीना पीटर साहबा को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये वो मौजू है जिससे बेहतर इंसान, खानदान, माशरा और मुल्क कौम की तमीर और तश्कीलेनो जुड़ी हुई है। सबसे बढ़कर हमारी मसीही कम्युनिटी जो इस वक्त अनगिनत मसाइल से दोचार है, और इसी लिए हमने आज का मौजू ये मुंतखिब किया है। बच्चे की अवलीन दर्शगा माँ होती है, इस लिहाज से बच्चों की तरबियत में वालदेन का बहुत अहम किरदार है। फिर भाई, बहन, खानदान, दोस्त वगैरह, जिससे बच्चों का तल्लक और राबता कायम होता है, ये भी बच्चों की तरबियत में अहम किरदार निभाते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप सिखाना चाहते हैं, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। लिहाजा बच्चों की तरबियत के लिए वालदेन को पहले खुद अमल करना होता है। तो नाज़रीन, हम पूछ लेते हैं अक्सा कमल साहबा, आज हम ऐसी शख्सियात जिनका एक बहुत ही हाई प्रोफाइल भी, इनके बच्चे भी फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्टों पे बड़े कामयाब हैं, आप कैसे फील कर रही हैं? आप तो बड़े एक्साइटेड नजर आ रही थी। जी, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम, और मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं अपनी दो फेवरेट जो लेडीज हैं जो मेरे इस सोशल सेक्टर की फील्ड में मेरी आइडियल भी है, उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। और जब मुझे पता चला था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग खानदान और बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे, तो मेरे जहन में फौरन से जो नाम आया था वो इन्हीं खवातीन का था, और मेरे लिए ये एजाज बात है कि मैं इन दोनों के जेरे तरबियत भी रही हूँ, इनके साथ सेशंस भी अटेंड किए हैं, इनसे बहुत सीखा भी है। और सबसे बड़ी एक खास बात जो है कि मैडम क्रिस्टीना जो है उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है और मेरा ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, तो हमारे लिए ये एक काबिल खातून है, और आज हम लोग इनके तजर्बात से जितना सीखा है, मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन जो है वो भी इनकी जो लाइफ टाइम जर्नी है उनसे बहुत कुछ सीख सकें। जी, बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा बल्कि नाज़रीन चाहेंगे कि जितने हम एक्साइटेड हैं तो अपनी जो हमारे साथ शख्सियत है उनका तारफ भी करा दिया जाए कि वो क्या कर रही है, किस फील्ड में। जहां तक मुझे याद है तो मोस्टली हमारे साथ एक कॉलमिस्ट जो होती हैं या कालम नगार एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं किसी भी माशरे में, किसी कम्युनिटी में उनका बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ से आगे चलते हैं। तो अक्सा, आप तारा भी करवाइएगा और बात का सिलसिला भी शुरू कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और मैं बहुत ज्यादा ऑनर फील कर रही हूँ कि आज जो प्रोग्राम है वो सारा खवातीन पर मुश्तमिल है और सर जो है माइनॉरिटी का किरदार अदा करेंगे और हम तीनों तीन जो है थोड़ी बातचीत करेंगे। तो मैं अपने मौजूद मेहमान जो है उनका थोड़ा तारुफ पेश करना चाहूंगी ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि आज कौन सी मौजूद शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मैडम नबीला फिरोज भट्टी, जो कि ह्यूमन राइट्स और वीमन राइट्स एक्टिविस्ट है, और ये एक कॉलम निगार है, ब्लॉग्स लिखती हैं, मुहक्कक भी हैं, तहकीक करती हैं मुख्तलिफ मौत। 1991
जो है इस फील्ड के साथ मुंसलिक है, ये मास्टर डिग्री होल्डर है और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टडी कर चुकी हैं और तालीम और तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक है। और इन साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मैडम क्रिस्टीना पीटर, जो कि अवार्ड एक तंजीम है जो कि फैसलाबाद में जिसका नेशनल ऑफिस है, इसके अलावा और पर भी इनके ऑफिस मौजूद हैं और ये डेवलपमेंट सेक्टर में काफी काम कर चुकी हैं। ये एक ट्रेनर है, एक रिसोर्स मोटिवेशनल स्पीकर है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स पे इनका बहुत काम रहा है और आज जो है हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे सीखेंगे कि बच्चों की तरबियत में खान का क्या किरदार है, क्योंकि ये दोनों को कहते हैं कि लीडिंग लेडीज हैं जिन्होंने खानदान को बहुत अच्छे तरीके से चलाया और इसके साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रही हैं। तो हम लोग इनसे मुख्तलिफ सवालात की जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में एक जो है बच्चों की तरबियत में या एक खानदान बेहतर तरीके से किस तरह से हम लोग चला सकते हैं। नबीला साहब, इससे पहले कि अक्सा आपके साथ सवाल करें, अमूमन हम ये देखते हैं कि चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, मोस्टली बहुत सारे लोग बड़े कामयाब हैं और वो इतने अपनी कामयाबी में मगन हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात वो जो अपने बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते और वो उनके लिए एक बड़ा एक इसी तरह अंधेरे का काम बन जाते हैं जैसे चिराग तले अंधेरा। तो मैं चाहूंगा कि इसी सवाल के साथ अक्सर आप भी ऐड कीजिएगा ताकि बात आगे निकले। जी, थैंक यू सो मच सर। अभी हम लोग सवालात का बकायदा आगाज करेंगे। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब खवातीन हैं बल्कि अपनी फैमिली लाइफ में भी उतनी कामयाब हैं। तो मैं सबसे पहले मैडम नबीला फिरूंगी कि वो किस तरह से मैनेज कर पाई कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने खानदान को भी बेहतर तरीके से चलाया उन्होंने। थोड़ा सा जब वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे तो इनके एक्सपीरियंस से, इनके तजुर्बात से हमारे बाकी नाज़रीन भी सीख सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसका क्रेडिट कुछ अपने हस्बैंड को भी दूंगी, उनका भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक है और हम दोनों ने मिलके अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से एफर्ट की। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे अगर कभी कहीं गैप लेना पड़ता था तो मैं वो भी ले लेती थी। और इसके अलावा मतलब अभी तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन काम का बहुत फैशन हो गया, लेकिन मैं काफ़ी पुराने वक्त से ही कंसल्टेंसीज और असाइनमेंट्स इस तरह से करती रही हूँ कि मेरी जो घर की ज़िंदगी थी वो ज़्यादा मुतासर ना हो। तो फिर कुछ अरसा दरमियान में ऐसा भी आया कि जब मैंने एनजीओ में काम करने की बजाय टीचिंग शुरू कर दी, क्योंकि वो टाइमिंग मेरे बच्चों के टाइम टेबल के साथ ज़्यादा सूट करती थी। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा में इकोनॉमिक्स पढ़ाई है और इसके अलावा सेंट एंथनी स्कूल में कुछ अरसा पढ़ाया है। तो इस तरह अंडरस्टैंडिंग से और अपने आप को मोल्ड करते हुए, मतलब रिजर्ट रह के आप कोई मेरे नहीं ख्याल में इतना काम कर सकते। हालात के मुताबिक अपने आप में तवाजुन रखना, अपने हालात में तवाजुन रखना और अपने हालात को समझते हुए आगे चलना, ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूँ क्रिस्टीना साहबा, आपके भी माशाल्लाह बच्चे बड़ी हाई पोस्ट पे हैं, तो आपने ये टाइम कैसे एडजस्ट किया? और जैसे मैं नबीला साहबा को भी कह रहा था कि चिराग तले अंधेरा बड़ा एक ऑकवर्ड सा है, इस तरह आता है, तो आप कैसे मैनेज करती थी? या आपके भी इसी तरह के पीटर साहब भी बड़े कोऑपरेटिव थे या इस तरह से चल रहा था कुछ? सर बहुत ज्यादा थैंक यू। मैं न्यू कैसल और क्रिश्चियन नेटवर्क यूके की और स्पेशली आपकी और मिस अक्सा कंवल की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। पहले तो एक अच्छा इत्तेफाक है मैडम नबीला की तरह मेरा भी कि उनके भी हस्बैंड पीटर हैं और मेरे हस्बैंड भी पीटर हैं, इसलिए हमें दोनों तरफ से एक जो है वो अच्छी पार्टनरशिप जो है वो मिली है और वो बहुत कोऑपरेटिव है हर चीज में, हर काम में। और यही शायद हमारे आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह थी कि हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि जब आपका पार्टनर जो है वो बहुत अच्छा हो, आपका साथ दे हर चीज में, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत हाई हो जाए तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों के हवाले से मेरे चार बच्चे हैं
एक बेटा है, तीन बेटियां हैं और मैंने लास्ट साल हाई स्कूल से अपने करियर का आगाज किया। मैं पढ़ाती थी तो तब मेरे तीन बच्चे थे। जब मेरी बेटी छोटी वाली पैदा हुई तो फिर मेरे लिए मैनेज करना स्कूल को साथ मुश्किल हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप अच्छा है अगर आप घर में बच्चों को देखें, बाकी फाइनेंशियली को मैटर्स को मैं खुद देख लूंगा। तो मैंने भी तब बड़ी खुशी के साथ इस चीज को एक्सेप्ट किया। जब बच्चे छोटे थे मैं घर थी और घर में भी मैं उनको खुद पढ़ाना, उनकी हर चीज पे नजर रखना और उनकी बुक्स, उनके सिलेबस, उनकी चीजें, उनके टीचर्स, यानी हर चीज को जो था वो मैं घर के साथ साथ उनको भी मैनेज करती थी। लेकिन इसी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद घर से रखी, घर की आप कह लें बैठक से रखी। कई साल हमारा ऑफिस बैठक में रहा। उसकी बड़ी वजह थी कि जब बच्चे चले जाते थे तो मैं अपना काम जो थी वो करती थी, और जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो इस काम को हमने इसको एक्सपेंशन दी, बढ़ाया। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े भी हो गए तो मैं जब फील्ड में जाती थी, मैं जब अपने काम करती थी, जब मैं सेमिनार्स में, चीजों में, ट्रेनिंग्स में जाती थी, तो लेकिन मैं अपने बच्चों के टाइम टेबल, अपने बच्चों की चीजों को मैंने हमेशा जो था वो सामने रखा कि वो ना डिस्टर्ब हो। अगर मैं जा रही हूँ तो पीछे बाकी अरेंजमेंट कौन करेगा, वो ट्यूशन पे कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। तो इस तरह से यानी चीजों को मैनेज मैंने इसको इस तरीके से किया कि आज मुझे खुशी है कि मैंने कहीं भी उनके साथ कोई ज्यादती जो है मेरी तरफ से वो नहीं की। जी जी, बहुत शुक्रिया नबीला साहबा। ये जो प्रॉब्लम सारे आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी, तो कहीं ना कहीं जो हमें माँ का किरदार जो है वो नज़र आता है कि माँ का किरदार कुछ बच्चों की तरबियत में लूज रहा या क्या हुआ कि ये मसाइल हो रहे हैं। तो आप एक माँ की हैसियत से क्या समझती हैं कि माओ को किस तरह से होना चाहिए? जी अक्सा साहबा, आप पूछ सकती हैं उनके नबीला साहबा से क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन उनको किया तो सॉरी कि कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा इंटरनेट। तो बहुत अच्छे तरीके से मैम ने बताया है दोनों ने, और ये एक मैं भी एक चीज नोट कर रही थी कि आज हमारे दरमियान दोनों खवातीन जो है उनकी जिंदगी में आने वाले जो मर्द है, उनके हस्बैंड जो है, दोनों का नाम पीटर है और दोनों ही सोशल लाइफ में जो है बहुत कामयाब हस्बैंड भी हैं और अपनी सोशल लाइफ को भी लेके चल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि मैम मौजूदा मुल्की हालात जो है इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने बच्चों को किस तरह से लेके चल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने रहना यहीं पर है और यहीं पर सर्वाइव करना है। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं कि वो गो के अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं तो वो मेजॉरिटी में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, उनको कैसे चलना चाहिए, चाहे वो तालीम हासिल कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में है। तो एक मदर जो है अपने बच्चों को किस तरह से समझा सकती है, उनकी तरबियत कर सकती है मौजूदा मुल्की हालात के मुताबिक? बहुत शुक्रिया आपका। सैमसन साहब ने एक पहले सवाल किया है, मैं उसी को रिलेट करते हुए आपके क्वेश्चन पे बात आगे बढ़ाऊंगी। एक हमारी सोसाइटी में ये भी मिथ है कि कोई बच्चा अगर सही राह रास्ते पे नहीं है, उसकी तरबियत में कोई झोल रह गया है तो उसकी जिम्मेदारी माँ पे ही लगाई जाती है। अब मैंने और क्रिस्टीना साहबा ने दोनों ने बात की है तो हमने अपनी बात में ये कहा है कि हमारे हस्बैंड सपोर्टिव थे, हमारी फैमिली सपोर्टिव थी, हमारा जो पूरा सिस्टम था घर का, पूरा मैकेनिज्म इस तरह का था कि जिसने हमें सपोर्ट किया, और हमने अपने बच्चों की अकेले तरबियत नहीं की। जितना किरदार मेरा है उतना ही मेरे हस्बैंड का है, उतना हमारे सोशल नेटवर्क का है, सोसाइटी का है, मतलब उससे कम कह लें, लेकिन हमने दोनों साथी जो है उनका किरदार होता है। तो बच्चों की जिम्मेदारी से बाप को सिर्फ ये जिम्मेदारी देना कि उसने सिर्फ पैसा कमाना है या फाइनेंशियल नीड्स जो है उनको देखना है, इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करती। बच्चा जो होता है, बेटी है या बेटा है, उसको माँ और बाप दोनों की तवज्जो, दोनों का प्यार, दोनों का गाइडेंस, दोनों की तरफ से चाहिए होती है। और वो मुझे लगता है कि वही बच्चे बेहतर इंसान बनते हैं, कामयाब होते हैं, जो जिनको पूरा फैमिली सिस्टम जो है वो सपोर्टिव मिला हो। तो मैं अपने बच्चों की मिसाल अगर दूं तो मेरे दोनों बच्चे अपनी
तालीम के लिहाज से तो माशाल्लाह एग्जेम्पलरी हैं ही, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम जो ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क लेके चल रहे थे वो उन्होंने अडॉप्ट किया है। एक बेशक इंजीनियर है, लेकिन उसकी बातचीत, उसका सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना उसी तरह है, से है जिस तरह का फ्रेमवर्क हमारा था। तो जो आपका सवाल है उसको मैं इसी से जोड़ते हुए बात करूंगी कि मैं क्योंकि एक इंसानी हकूक की कारकुन हूँ और मेरा सारा ओढ़ना बिछोना यही है। मैं ट्रेनिंग्स भी इसी में कराती हूँ, मैं आर्टिकल्स भी इसी पे लिखती हूँ, मैं तहकीक भी इसी से रिलेटेड इश्यूज के साथ करती हूँ। तो मैं आज भी अगर बात करूँ बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो मैं चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क लेके आगे चलूंगी। अगर हम चाइल्ड राइट्स को लेके आगे चलते हैं तो उसमें चारों जो सीआरसी के पिलर, उसकी क्लासिफिकेशंस हैं, वो इसमें आ जाती हैं, यानी सर्वाइवल राइट्स हों। अब सर्वाइवल राइट में अगर शेल्टर है तो हम एक कमरा दे देना एक बच्चे के लिए शेल्टर नहीं है। शेल्टर में उस बच्चे को पूरी एसोसिएशन, उसकी प्राइवेसी की एक्सेप्टेंस, उसको जो वहां पे आपकी मोहब्बत, प्यार, तवज्जो चाहिए शेल्टर में, वो सब कुछ जरूरी है। अगर आप खाने का दे रहे हैं तो ये नहीं कि आपने दो वक्त की उसको रोटी दे देनी है, आपने उसको साथ में मैनर्स सिखाने हैं कि बेटा दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, कितने बच्चे भूखे सोते हैं, तो आपने फूड को जाया नहीं करना। तो इसी तरह एक एक राइट को लेके चलते हुए अगर हम अपने हमारे अंदर ये फ्रेमवर्क रच बस जाता है तो हमारे जो हमारे काम होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उनमें वो नजर आता है और हमारे बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। मेरे बच्चे, मतलब हम जब बिल्कुल छोटे थे तो हमने उनको बहुत स्ट्रिक्टली इस बात पे ट्रेन किया कि उन्होंने खाना जाया नहीं करना, और वो अब मतलब बिल्कुल जवान है, इतने बड़े हैं माशाल्लाह, दोनों एडल्ट हैं, तो कहीं भी बफे भी है, कहीं भी फ्री खाना भी है, कुछ भी है, उन्होंने फूड जाया नहीं करना। तो ह्यूमन राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का फ्रेमवर्क लेके चलते हुए चारों राइट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर एक बच्चे की जो तरबियत है वो अच्छी रहती है। और फिर अगर हम प्रोटेक्शन के हवाले से देखें तो बच्चे को निग्लेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है, बच्चे को वायलेंस से प्रोटेक्ट करना है, और बच्चे को अब्यूज से प्रोटेक्ट करना है। और ये जो आपका सवाल है कि सोसाइटी में, इस सोसाइटी में ये सारी चीजें जो मुश्किल हालात हैं और जो मुश्किल सिचुएशन है खासतौर पे माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए, और माइनॉरिटी बॉयज भी बहुत ज्यादा नशे की लत में पड़ जाते हैं और इस तरह की मतलब निग्लेक्ट का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी इस तरह से है कि वो अपने बच्चों को कभी निग्लेक्ट नहीं करें, उनको निग्लेक्ट से प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन की चारों फॉर्म्स जो है उनको अप्लाई करते हुए अगर वो निग्लेक्ट से प्रोटेक्ट उस बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे तो बच्चा किसी भी ऐसी बुरी आदत की तरफ नहीं जाएगा। बच्चे का ये हक अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उसको तालीम मिले तो वो स्कूल पे, अपने काम पे, अपनी पढ़ाई, होमवर्क पे, उस पे ज्यादा ध्यान देगा। बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना है तो बच्चे को लेबर में नहीं डालना। चाइल्ड लेबर जो है वो बच्चों की तालीम, बच्चों की सेहत और बच्चों की बाकी जो उनकी डेवलपमेंट के राइट्स हैं उनके खिलाफ जाती है। इसी तरह चाइल्ड मैरिज की तरफ नहीं लेके जाना। बच्चे की प्रोटेक्शन में तो और बहुत सी चीजें आती हैं, मतलब उनकी तरबियत, बच्चा किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, माँ बाप दोनों को की उस पे नजर होनी चाहिए। बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि हर बात बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ कर सके। मतलब अगर किसी ने बुरी नजर से देखा है तो बच्चे को फील हो जाता है, गुड टच बैड टच का बच्चे को शुरू से सिखाया जाए और वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे। क्योंकि अगर कोई बच्चा खुदा नहास्ता जिनसी या नफ्सियाती या जज्बाती अब्यूज का शिकार होता है तो उस पर उसकी पर्सनैलिटी के जो उसकी पर्सनैलिटी पे जो इसके असरात हैं वो बहुत देरपा होते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए माँ बाप को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से तो यही आपको कहूंगी कि चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के फ्रेमवर्क को लेके चलते हुए हमने अपनी बच्चों की तरबियत दी की, और अभी भी जो मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें भी मेरा यही फोकस होता है और मुझे लगता है कि ये एक कामयाब फ्रेमवर्क है।
बहुत शुक्रिया। अक्सा, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ क्रिस्टीना पीटर से, आप भी उसके साथ अगर नथी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्रिस्टीना साहबा, ये घर का माहौल एक बच्चे के लिए किस तरह से होना चाहिए? दूसरा, माहौल के अलावा अगर मिसाल के तौर पर आप दोनों ही मोहतरमा, एक पढ़ी लिखी खावंद भी पढ़े लिखे, एक माहौल था, अगर यही पेरेंट्स तलीम याफ्ता नहीं है, फिर उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि इस वक्त हम मोटिवेशन भी, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, तो वहां पे क्या सूरत हाल होनी चाहिए? हमारा क्या किस तरह एक जो पढ़े लिखे माँ बाप ने, उनको किस तरह घर का माहौल बेहतर बनाने की और बच्चों की तरबियत पर जोर देना चाहिए? जी, इसको मैं इस तरीके से लेती हूँ कि घर का माहौल उस शक्ल में बेहतर है अगर पेरेंट्स की आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, वो आपस को टाइम देते हो, ये नहीं कि अगर वो खुद सारा दिन लड़ाई कर रहे हो, बात बात पे एक दूसरे को झिड़क रहे हो, तो बच्चे वही कुछ सीखेंगे जो कुछ वो देखते हैं। तो ये इस चीज का बहुत ज्यादा रोल होता है घर के माहौल पे कि आप बच्चों को जो एक्ट कर रहे हैं बच्चे वही सीख रहे हैं, तो आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी तरबियत में उनका बड़ा रोल होता है। हम वैसे उनको सूटेड बूटेड कर दें लेकिन अंदर से हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हम मियां बीवी लड़ रहे हैं, हम बच्चों के साथ झगड़ रहे हैं, हम इस तरह का माहौल घर में क्रिएट कर रहे हैं, तो बच्चे बिल्कुल वैसे होंगे। वो उनका शायद अभी तो आपको रिजल्ट नजर ना आए लेकिन फ्यूचर वो जो इंसान बनेंगे वो बिल्कुल ऐसे बनेंगे। इसलिए जो घर में प्यार मोहब्बत है, घर में जो बच्चों को बच्चों की, जैसे नबीला साहबा ने बात की, उनको निग्लेक्ट नहीं करना, आप बच्चों की सुने, आप बच्चों को बिठाएं, बच्चों के साथ हंसें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों की आप यानी ये नहीं कि बच्चे को आपने सारी जरूरियात तो पूरी कर दी लेकिन आपने बच्चे को टाइम ही नहीं दिया, आपने बच्चे की सुनी नहीं, आपने उसके उसको उसको जो लाड प्यार जो उसको चाहिए था पेरेंट्स की तरफ से, एक बॉडी टच या इस तरह से आपने उसको अगर उससे महरूम रखा है, तो ये सारी कमियां बाद में उसकी शख्सियत में नमूदार होगी जो कि एक बैड सिटीजन की तरफ उसको लेके जाएंगे। जी, अच्छा साहब, आप क्या? मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ संसन साहब यहाँ पे। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने गरीब खानदानों की और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात की है, तो उसके लिए ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, तो हम फील्ड में गए और वहां पे जो खातून से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि भाई गरीब है तो इसलिए हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजते ना, तो मेरे सामने देखते देखते ही एक दफा कोई रेडी वाले ने बाहर आवाज लगाई तो वो बच्चा 10 रुपए लेके चला गया, दूसरी दफा आवाज लगाई तो वो 5 रुपए लेके चला गया, इस तरह ना 3 दफा हुआ। तो फिर मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा कि देखिए आप ये पैसे इस तरह बच्चे को दे रहे हैं तो इसको घर में खाना बना के खिलाएं और ये पैसे जो है आप उसकी तालीम पे भी लगा सकती हैं। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन 5 से 16 साल तक के बच्चे की अभी इस वक्त हमारे मुल्क में सहूलत है। तो हम गुर्बत को जवाज बना के या गुर्बत को कह के कसूरवार ठहरा के तो हम अपने बच्चों के जो हमारे तरफ फराइज हैं उनसे आंख नहीं चुरा सकते, चाहे हम गरीब हैं चाहे हम गरीब हैं। माइनर मैरिजेस पे एक दफा बात हो रही थी तो किसी ने यही कहा कि गुर्बत की वजह से लड़कियों को पढ़ाते नहीं है और बस शादियां कर देते हैं, तो उस पर भी मेरा यही पॉइंट था कि इससे तो गुर्बत में और इजाफा होता है। जब कोई बच्ची एजुकेशन नहीं हासिल करेगी वो आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज तक नहीं पहुंचेगी, आगे उसकी मतलब वो कोई टीचर बन सकती है, वो कोई नर्स बन सकती है, वो किसी सेल्स गर्ल बन सकती है, कुछ इस तरह काम कर सकती है, तो अगर उसकी एजुकेशन अच्छी होगी तो उसको अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी, लेकिन अगर हम उसको नहीं पढ़ाएंगे तो वो, स्टेट हमें सपोर्ट कर रही है, स्टेट की तरफ से अगर स्कूल जाने की, हाई स्कूल तक तालीम फ्री है तो इस चीज को अवेल करना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में जितने भी पेरेंट्स हैं वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो इस बात पे फोकस रखें। मतलब मुझे पता है कि अगर मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ते रहे हैं तो वो पढ़ गए हैं, हमने कभी अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाई लेकिन उन्होंने खुद से ही पढ़ा है। तो अगर पेरेंट्स गरीब हैं, वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल में उनका बच्चा है, बच्चे पे सिर्फ चेक रखें कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, बच्चे को कॉन्फिडेंस दें
कि पेरेंट्स के साथ वो अपनी हर तरह की शेयरिंग करे तो इससे हालात बेहतर होंगे। मतलब मुझे पता है कि जो बहुत गरीब खानदानों के हालात हैं वो मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर उस विशेष सर्कल को तोड़ने के लिए स्ट्रेटजी भी चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए। और मैं तो हमारे घर में मैंने कभी भी किसी बच्चे को हेल्पर के तौर पे नहीं रखा, डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे नहीं। हमारे बच्चे बहुत छोटे भी थे, लोग कहते थे इनको खिलाने के लिए ही छोटी लड़की इस तरह रख लें, लेकिन हम कभी भी नहीं रखते थे। और हम एक दफा हमारे पास एक हेल्पर थी, वो अपनी छोटी बच्चियों को साथ ले आई, तो हमने उन बच्चियों का स्कूल में दाखिला करवाया और उनको कहा कि भाई इस तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल में होने चाहिए बजाय काम पे होने के। तो ये चीजें सोसाइटी में भी, हमारे रवैयों को भी हमें सोसाइटी में फैलाने की जरूरत है। और आपने आसपास भी जितनी विजडम, जितनी बातचीत की जा सके फैलाई जा सके। ट्रेनिंग्स पे हम जाते हैं, वहां पे ऐसी बातें करते हैं, आम रूटीन में, हमसाए में, हेल्पर्स के तो साथ, तो जो के बच्चों के लिए, मतलब मैं अपनी काम वाली से कहती हूँ कि भाई बच्चों को मारना पीटना जो है वो सख्त खिलाफ वर्जी है चाइल्ड राइट्स की। तो हम इस तरह से छोटी छोटी मौके पे भी, जहां पे भी बात करने का मौका मिले उसको जारी रखें, तो उससे भी थोड़ा कतरा तो एक समंदर में फर्क पड़ता ही है। तो मतलब ये अपना हिस्सा तो हम इस तरह से डाल। जी, ये सैमसन साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि हाउ टू सर्वाइव विद द मेजॉरिटी, कि अभी जो हालात मुल्क पाकिस्तान में चल रहे हैं या हमारे मुल्क में हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग इसको एक चैलेंज समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ सर्वाइव किया जाए। तो जो जिस बात पे मैं जोर दूंगी उसमें हमने जो सिलसिला शुरू किया है यहाँ पे, क्योंकि हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, माओं के साथ करते हैं, गरीब औरतों के साथ काम करते हैं, तो हमने ये देखा है कि जो ज्यादा इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं जैसे फोर्स कन्वर्जन या बच्चों की छोटी उम्र की शादियां या इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, तो इसमें वही बच्चे हैं जिनकी माएं उनको साथ ले जाती हैं काम पे, वही हैं जिनको भट्टों पे साथ ले जाती हैं। तो हमने उन्हीं खवातीन के ग्रुप्स बनाए हैं, हम उन्हीं खवातीन के साथ ये तरबीती सेमिनार करते हैं कि आप अगर आपके घर का माहौल, आपके घर की चीजें, अगर एक मसीही माहौल आप अपने बच्चों को देंगे, अगर आप उनको फेथ में मजबूत करेंगे, अगर उनका चर्च से रिलेशन होगा, तो आपके बच्चे हो नहीं सकता कि वो कभी इस तरह की चीजों को जाएं। दूसरा जो ज्यादा हम मेजॉरिटी में सरवाइव करने के लिए वो एजुकेशन है। जैसे नबीला साहबा ने बात की, तो हमारा सारा जोर है, हम खवातीन को छोटे कारोबार शुरू करवा के दे रहे हैं और साथ तालीम उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, पेरेंट्स को हाई अलर्ट कर रहे हैं कि अभी आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो तालीम और स्किल अगर बच्चों के पास होगा वो अच्छा कमाएंगे, उनकी जो बुरी सोसाइटी है वो खत्म होगी। तो ये वाली चीजें भी जो है हमें मेजॉरिटी में सरवाइव करने के लिए मदद देंगी। हालात तो हमेशा ही खराब रहते हैं, जब हम छोटे थे तब भी कहते थे माहौल बहुत खराब है, तो लेकिन वो हमारे पेरेंट्स की वो तरबियत है, या आज के दौर में भी हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते रहे हैं। एक दफा मैं मुझे आदत थी स्कूल में बच्चों के रिजल्ट देखने की, बच्चों को बताना अगर आप और थोड़ी मेहनत करते ना तो आपने यहाँ पहुंच जाना था, इस तरह के कमेंट उनको मैं साथ हमेशा करती थी। तो मैं अपने बेटे के कि यूनिवर्सिटी में चली गई, मुझे लग रहा था कि वो शायद पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैंने जाके तो उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनसे मिली मैं जाके, उन्होंने कहा कि मैडम स्कूल तक तो देखा है कि माएं आती हैं, यूनिवर्सिटी में कोई अम्मी आ रही है पीछे ये मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा कि सर मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पढ़ भी रहा है कि नहीं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत डिसेंट है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहा है क्लास में, उसकी वो अच्छे तरीके वो प्रेजेंट भी रहता है। तो यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर माएं इस हद तक कॉन्शियस हो जाए कि बच्चों को पढ़ाना है, मैं औरतों को यही कहती हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाएं, अगर आपको आज मेहनत करेंगे तो कल आपको जो है वो इसके जो फल है वो मिलेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है आज के दौर में कि हम अपने लोगों को, कम्युनिटी को इस तरह मतवज्जो करें कि उन्होंने पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अगर पढ़ नहीं रहे फिर स्किल सीख लें ताकि उनको ये उनको अच्छे जो काम है, अच्छी जॉब जो है या अच्छे बिजनेसेस है वो डेवलप कर सके। जी बहुत शुक्रिया मैम। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि हम लोग आजकल स्क्रीन टाइम हमारा बहुत बढ़ गया है, हर एक छोटे बच्चे मोबाइल फोन्स है, टैब्स है, क्योंकि ये जरूरत भी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं,
कोविड की वजह से हमारी तालीम जो है वो इस तरफ आ गई है कि अभी बच्चे जो है हर टाइम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। तो ये मेरे एक साथी हैं, ये उनका भी सवाल था कि किस तरह पॉसिबल बनाया जा सकता है कि हम लोग अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें और फैमिली का जो है जो उसको ज्यादा बनाया जा सके, तो किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह से माँ बाप इस चीज को जो है वो यकीनी बना सकते हैं कि उनके बच्चे ना सिर्फ पूरी दुनिया से तो जुड़े हुए होते हैं इंटरनेट के जरिए से, तो अपने खानदानों से वो उस तरह से करीब नहीं होते, तो माँ बाप उनको करीब किस तरह से ला सकते हैं। तो ये दोनों हमारी जो मौजूद शख्सियात हैं इनसे बारी बारी मेरा सवाल होगा कि ये जो हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल या मोबाइल फोन या स्क्रीन टाइम हमारा इतना बढ़ गया है, इसके साथ साथ अपने खानदान को लेके किस तरह से चल सकते हैं। साहबा आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा, फिर नबीला साहबा की तरफ चलते हैं। ये जरूरत भी है और वक्त के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो वर्किंग वीमेन हैं या जो माएं कुछ और करना चाहती हैं, जो खुद भी मोबाइल पे ही रहना चाहती हैं, वो बच्चे को भी मोबाइल दे देती हैं। इस तरह जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव भी हो जाते हैं और बहुत सारी बुरी चीजें जो है वो भी सीख रहे हैं। और ये हमारे अपने भी फैमिली में जो यंग मदर्स हैं, मैं उनमें काफी ज्यादा ये रुझान देख रही हूँ, बल्कि उनके साथ मैं बहुत ज्यादा इस पे समटाइम मैं हार्श भी हो जाती हूँ कि आप इतने छोटे बच्चों को जो है वो मोबाइल पे ना लगाएं, वो उनको उनके साथ खेलें, क्योंकि उनका खेलने का टाइम अब कम हो गया बच्चों का, वो बेड पे बैठे रहते हैं, तो ये एक बुरी चीज है। और इसके लिए मेरा है कि जो माएं हैं जो जॉब भी कर रही हैं, जो घरों में भी हैं, तो उनको अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। ये चीज जो है ये वाकई ये बहुत बुरी चीजें जो है वो पैदा कर रही है, और इसके असरात आगे चल के ना सिर्फ उनकी आई साइट पे बुरे होंगे, उनकी सेहत पे भी बुरे होंगे, उनके कद छोटे रह जाएंगे, वो बड़े फलेंगे नहीं, और दूसरा वो गलत चीजें जो वहां से अडॉप्ट करेंगे, ये एक और अलमिया होगा आगे चल के। तो इसके लिए जरूरी है कि ये माओ को शायद बहुत ज्यादा माओ के साथ इस पे बात करने की जरूरत है, बाप के साथ। अब बाप ने अलग बैठा होता है कोने में, माँ अलग बैठी होती है या माँ बिजी है, तो कम से कम बाप को अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो इसमें माँ और बाप दोनों की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है आज के दौर। कृष्णा साहब, ऐसा होता है कि कहते हैं कि 3 साल तक बच्चे जो हैं वो एक कोरे कागज की तरह होते हैं, जो उसके आप लिख देंगे, जो भी लाइनें डालेंगे वो सारी उम्र उसके साथ जाती हैं। अब मसला ये होता है कि जब इस उम्र से आगे निकल जाते हैं फिर तरबियत इंतहाई मुश्किल हो जाती है। आप किसे जो भी देख लो, किसे काफी सारे उसमें हुआ क्या है कि माँ ने कहा कि गैर मसीह या उनको किराए पे ऊपर रखा हुआ, या उनको कहा कि ये बच्ची को छोड़ाओ, ठीक है ना, बच्ची को छोड़ा, दो हिस्से हो गए हैं अभी इस क्वेश्चन का। तो उन्होंने एक गुंजाइश पैदा की और वहीं ही तरीका वारदात या नकबजनी वहीं हुई है, ज्यादातर जिनके साथ उन्होंने तल्लक रखे हुए थे या बना के रखे थे। ये दोनों को प्लीज जरा रिलेट किए कि माँ को क्या एहतियाती तदबीरें जो हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि बहन भाई वो जैसे कहते हैं ना, बड़ा भाई एक मारा रोल अदा करता है, बच्चे उसी के पीछे चले जाते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं अपने बड़े भाई को, बड़ा भाई बेहतर होता है तो दूसरे भी चले जाते हैं। तो ये जरा इसको रिलेट कर लीजिएगा जी। कृष्णा साहब जी, इसमें जो मोबाइल वाला है, मेरा तो उसमें ये है कि इसमें वालिद साहब को, बाप को जो है वो भी खास इसमें रोल प्ले करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये वाली जो प्रैक्टिस है कि ऊपर कोई गैर मसीही रह रहा है और नीचे कोई और है और फिर रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां, मेरा है कि इनको भी जो है वो खत्म करना चाहिए, कम नहीं इनको खत्म ही करना चाहिए, ये चीजें भी बुरे असरात जो है वो डाल रही है। तीसरा है कि हमारे लोगों को मैं समझती हूँ कि एक चर्च के साथ बच्चे यानी संडे को भी लेट उठ रहे हैं, मोबाइलों पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ माँ और बाप का एक स्पेशल रोल है कि वो जिस जहां भी जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके जाएं, बच्चे बाहर जाएं, देखें मुआशरा देखें। तो ये वाली चीजें जो है ये बड़ी जरूरी है, और ये जो तल्लुकात है ये हमारे बाहर बाहर रहने चाहिए, इनको घर की दहलीज तक, क्योंकि कुछ वाकयात जो ऐसे हो गए हैं, पहले लोगों के होते भी थे लेकिन अभी शायद ज्यादा इस पे जो है वो सोचने की, देखने की और करने की जरूरत है जी। अफसर साहबा, आप तो पूछ ही रही हैं, मैं जरा थोड़ा सा आपको तजर्बे की
बुनियाद पर आपसे पूछता हूँ कि आप भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, फिर सोशल एक्टिविस्ट्स भी हैं, तो आप काम भी कर रही हैं, आपको कहाँ बच्चों की तरबियत में ऐसा लग रहा है कि कोताही होती है और ये आगे चले जाते हैं? थैंक यू सो मच सर. जैसे मैम ने अभी एक बात शेयर की थी और अभी कल रात ही एक वाकया है हमारे फैसलाबाद में, और उसमें एक 6 साल की बच्ची है और जैसा ये है कि आना जाना घर में मेजोरिटी कम्युनिटी के लोगों का, और हमें बहुत शौक होता है उनको आया और चाचा बनाने का, और इसी तरह से उस बंदे साथ था, वो कोई 60 साल के करीब बंदा है और उसने अटेम्प्ट की है एक 6 साल की क्रिश्चियन बच्ची के साथ. तो हम क्योंकि अपने बच्चों को नहीं बताते कि गुड टच और बैड टच क्या है, किस तरह के लोग अगर आपको किस नजर से देखते हैं या किस तरह से टच करते हैं तो आपको फौरन से अलर्ट होना है, तो हमने अपने बच्चों के साथ वो रिश्ता नहीं आया होता. और बाज़ोकात क्या होता है कि बच्चों के साथ काफी देर से ये सब चला होता है, वो शिकार हो रहे होते हैं इस चीज का, और हमें तब पता चलता है जब मतलब बहुत बड़ा कोई सानहा हो जाता है. तो हमें शायद अपने बच्चों के साथ अच्छे दोस्त बनने की जरूरत है कि हम लोग उनको अपना अच्छा दोस्त बनाए, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ भी अगर बाहर होता है, कुछ होते हैं तो किसी बड़े हादसे का शिकार हो, वो फौरन से हमें अगर पहले स्टेप पर आर बताते हैं तो हम उन्हें बचा सकते हैं टाइमली. और दूसरा, ये स्क्रीन टाइम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है और हम लोग देख रहे होते कि हमारे बच्चे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, और उसके बाद वही चीज जो वो सोशल मीडिया पे देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, जब वो करने की कोशिश करते हैं तो वो हादसात का शिकार भी होते हैं. तो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, इस चीज का इस्तेमाल अब जरूरी भी है. लेकिन अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारे, मैं एक दिन YouTube पे देख रही थी कि आप अपने बच्चों के मोबाइल सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का कंटेंट वहां पर ना आए, उसके साथ साथ उनके सोशल मीडिया पे नजर है कि वहां पर किस तरह के लोग उन्होंने ऐड किए हुए हैं, किस तरह के लोग उनके शामिल हैं, और टाइम टू टाइम ये भी देखें कि वो किस तरह की बातचीत वहां पे कर रहे हैं और कैसे लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी उम्र में होते हैं कि उनको अनटैग करना जो है वो ज्यादा आसान होता है. तो मैंने एक कोटेशन दी थी कि आप अपने बच्चों को अपना अच्छा बनाकर उनको अच्छा इंसान बना सकते हैं, इससे पहले बुरे लोग उनको अपना दोस्त बनाकर अपने जैसे बुरे लोग बना लें. तो मुझे तो यही लगता है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छे दोस्त बनाते हैं तो डेफिनेटली हम उनको जो है बुरे हालात का शिकार होने से बचा सकते हैं. थैंक यू. जी जी. नबीला साहबा, आप इस बच्चों की तरबियत में कौन से ऐसे अनासर या फैक्टर्स जिस पे हमने बात नहीं की, आप कहना चाहेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे हमें ज्यादा जोर देना है कि बच्चे जो हैं वो एक चट्टान की तरह मजबूत हों, कोई भी उनको वर्गला ना सके, किसी गलत बेरारवि की तरफ ना पड़े, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिस पे अमल करना चाहिए? सब को, घर के वालिद है, माँ है, सब एक हिस्सा है तरबियत का. जी, सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि बच्चों के साथ माँ बाप को फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे हर बात जो है वो अपने माँ बाप से कर सकें, और माँ बाप को भी थोड़ा जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात है उनसे फायदा उठाना चाहिए, और जो सोसाइटी में मामलात हैं उनको देखते हुए अपनी तरजीहात इस तरह से मुकर्रर करनी चाहिए कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जो है वो सामने. हमारे पूरे जो यूनाइटेड नेशंस का चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है उसका जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो यही है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखा जाए. अगर बच्चे के इंटरेस्ट में उसको कहीं हॉस्टल में भेजना अच्छा है, हमारी कम्युनिटी में तो माशाल्लाह ये भी फैसिलिटी है कि बहुत से क्रिश्चियन स्कूल ऐसे हैं जो गरीब बच्चों के लिए फ्री सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं या बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं. तो मतलब अगर बच्चे के इंटरेस्ट में ये बेहतर है तो उसको, अगर माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो बिल्कुल पढ़ाई में बच्चे को गाइड नहीं कर सकते, तो बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भी भेजा जा सकता है. चर्च एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे बच्चों के लिए, तो चर्च की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए. चर्च के जो प्रोग्राम्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए. और जो माँ बाप का रवैया है वो बहुत मोहतात होना चाहिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए उनको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत. जी जी, बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे जो नाज़रीन हैं, स्पेशल जिक्र किया, नबीला साहबा का भी मुल्तान से फोन आया
कि हम सुनेंगे उनको। तो आप क्या समझती हैं कि आज पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं ये किस हद तक जो है माएं इन पर अमल करके, माएं या सारे पेरेंट्स करके किस तरह बेहतर बना सकती हैं बच्चे की जेनी नशोनुमा में? जी संतुल साहब, अगर अच्छा की आवाज नहीं आ रही तो मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। मतलब छोटी 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 बातें होती हैं। आप घर में किसी बच्चे का रंग काला है तो उसको कहना शुरू कर देंगे कालू कालू। जी, 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 किसी का कद छोटा है तो उसको कहना शुरू कर देंगे ठिगना। ये बकायदा जज्बाती ज्यादती है। जी जी, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक जेन जेन साजी इसको बोलते हैं। बच्चे का माइंड कहना चाहिए, बच्चे इससे हर्ट होते हैं और बच्चों की नफसियात पे इस चीज का असर होता है। छोटे छोटी बातें हैं जिसपे पेरेंट्स अगर ध्यान दें तो वो मार कुटाई, किसी के बाल नोचे जा रहे हैं, किसी को खींचा जा रहा है, किसी को थप्पड़ लगाया जा रहा है, तो ये चीजें जो है ये बच्चे की खुदी को मुतासर करती हैं, बच्चे की पर्सनालिटी को तोड़ती हैं ये चीजें। ऐसे काम करने चाहिए जो जिन पे कोई पैसा नहीं लगता है, जिन पे कोई ये नहीं है कि हम गरीब हैं तो हमें ये जरूर करना है। वो सिर्फ कॉन्शियस होने की, अलर्ट होने की जरूरत है कि ये चीज जो है ये हमारे बच्चे के लिए फायदा मंद है। अगर जैसे फोन पे बात का भी आप कह रहे थे कि मतलब माओं को ठीक है इंटरनेट पे बच्चों ने पढ़ना है, लेकिन माओ को इतना अलर्ट तो होना चाहिए कि इतना तो पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा कुछ और कर रहा है, तो ये मॉनिटर करना चाहिए हर, मतलब ये डिफाइंड एज है कि बच्चा जो है वो एक साल, मतलब जो 18 साल से कम उम्र का फर्द है वो एक बच्चा है, तो 18 साल से छोटे जो लोग हैं उनको तो माँ बाप को बहुत ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर माँ कोई अनपढ़ है तो अगर बड़ा बच्चा पढ़ गया है तो बड़े से हेल्प ले ले, अगर कोई खाला है, कोई फुफ्फो है, कोई इस तरह से है तो उनसे हेल्प लेके तो बच्चों की जो तरबियत है उस पर नजर रखी जा सकती है। मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद है कि बिल्कुल अनपढ़ खातून थी, तो वो अपने बच्चे को इसी तरह कह रही थी कि भाई पढ़ो मेरे पास बैठ के पढ़ो ताकि मुझे पता चले, तो बच्चे को पता था कि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन वो फिर भी इस बात में कि मेरी माँ मुझे देख रही है तो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा। तो मतलब गुर्बत को या इसको जवाब बना के तो हम अपनी जो माँ और बाप दोनों जो हैं अपने फराइज से हम नंबर इसको वो नहीं कर सकते, बच नहीं सकते इससे। बिला साहबा, ये जिस तरह कहा जाता कि एक पढ़ी लिखी माँ दो तो हम आई गेव यू अ एजुकेटेड नेशन, ये कुछ ना कुछ फैक्ट है, लेकिन हमें जो है वो काम करने की सख्त जरूरत है कि जिस तरह जैसे निकाह से पहले दोनों के फिर तरबियत होती है अलग अलग, क्योंकि आपकी अगली जिम्मेदारियां क्या होती हैं, बच्चों को कैसे तरबियत, ये एक हिस्सा है। तो हम जब बच्चों को मजहब की तरफ ले जाते हैं, मजहब या उनपे कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल बेहतरी आती है। क्रिस्टीना साहबा, हाँ जी बात कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि ये जो मौजूदा सिनेरियो में शायद अकेली माँ का, माँ के साथ बाप का, बाप के साथ हमारे जो चर्च हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो अदारे हैं, इन सबको एक रोल प्ले करने की जरूरत है। अगर चर्च हैं तो अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मदर्स आर अनएजुकेटेड, ठीक है, उनको पता ही नहीं इन चीजों का, तो उनको वो देखें हमारी कितनी कम्युनिटी चर्च पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, आ रहे या नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो ये शायद उनकी भी तरबियत, एक माओ की बाप की तरबियत, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत पहले हाँ चर्चिस के अंदर ये माँ बाप की तरबियत होती थी बच्चों की, जिनकी शादियां होनी होती थी उनके उनके सेशन होते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, अब बस उनको तैयारी का होता है कि हमने ये स्कॉलर से होना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो बाकी नेक्स्ट फैमिली में जाके जो उन्होंने जिम्मेदारियां पूरी करनी है उसकी कोई तरबियत नहीं, जो बच्चे आने हैं उसके बारे में उनको कोई पता नहीं, तो ये बहुत ज्यादा खला है जिनको पूर करने के लिए जो है आगे काम करने की जरूरत है। यानी इसमें अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है, इसमें चर्चिस का बड़ा रोल है, इसमें माँ और बाप का, और क्योंकि अभी इनकम कम है तो माँ और बाप सारा दिन बाहर रहते हैं, बच्चे अकेले घरों में रहते हैं या बच्चों को भी काम पे ले जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, तो इनके लिए हमें शायद एज अ होल जो है हमें इन पे काम करने की जरूरत है। जी, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ। नबीला साहबा, जब सिलेबस में बात चली, जोसेफ को जब काला दिखाया गया, जब आप बात कर रही थी
कि आप अपने बच्चे को काला या कोई ना कोई ऐसे लफ्ज से लकबास से करते हैं तो उनकी शख्सियत में बेहतर शख्सियत बन नहीं पाती, बल्कि उनकी शख्सियत में एक खलास ही आ जाती है, वो सासे कमतरी में चला जाता है। हमारा ये भी पॉइंट था, आपका भी यही पॉइंट था कि आपने जोसेफ को क्यों काला दिखाया या तालीम, ये इसमें बहुत सारे अनासर जो हैं वो आते हैं कि आप बच्चों की बच्चों को कैसे एक उसकी शख्सियत में डेवलपमेंट क्या करते हैं, तो सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस तरह आते हैं। तो अक्सा आपके नेट में प्रॉब्लम रहा तो आप कम बोल पाई, तो वाइंड अप है, आप जरा ये बताइएगा, एक तो रिस्ट्रिक्शंस नेट की रिस्ट्रिक्शन है कि उसमें अंडर एज को कुछ ऐसी जो साइट्स हैं वो इजाजत नहीं, ठीक है, फिर सोशल मीडिया रह जाता है जिसमें दोस्तियां या एक दूसरे को पटाने का या ये तरीका है ट्रैप करने का तरीका, उससे जो है बचाव का कोई अगर आपके पास तरीका है तो बताइएगा, फिर हम इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि मैंने भी जिक्र किया कि रिस्ट्रिक्शंस हैं वेबसाइट्स पे कि आप कौन सी वेबसाइट नहीं चाहते कि आपके बच्चे की डिवाइस पर वो ओपन हो, तो आप अगर थोड़ा सा स्टडी करें थोड़ा जाने तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं जिसके जरिए से आप जो है वो देख सकते हैं कौन सी चीजें हैं कि मेरे बच्चे के मोबाइल पे वो पॉपअप ना हो। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, आप अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें और उनको सबसे पहले तो अपना दोस्त बनाएं और उसके बाद अपने आप को काबिल बनाएं कि आपका बच्चा आपको अच्छा दोस्त जानते हुए अपने सीक्रेट्स जो है वो आपके साथ शेयर कर पाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बच्चे अपने ही पेरेंट्स से बहुत सारी बातें छुपाते हैं और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है नुकसानात उठाते हैं। तो सोशल मीडिया पे उनको अलाउ करें कि वो आईडीज बनाएं, वो दुनिया को जानने एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन उसके साथ कोशिश करें कि आप भी उनकी आईडीज में ऐड हों और देखें कि आपका बच्चा किस तरह की पोस्ट कर रहा है और उसके दोस्त जो है उसकी फ्रेंड लिस्ट में किस तरह के दोस्त मौजूद है। टाइम टू टाइम उनके साथ बैठें, उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। और सबसे ज्यादा एक जो चीज है कि मैंने एक मूवी में ये डायलॉग सुना था कि दैट फैमिली विच सिट्स टुगेदर ईट्स टुगेदर एंड प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि आप लोग जब साथ में बैठते हैं खाना साथ में खाते हैं और खास तौर पे खानदानी जो दुआ है वो आप साथ में करते हैं, तो फिर आप एक अच्छा खानदान सानी खानदान बन सकते हैं। और सबसे पहले आप अपने जीसस को एक अपने खानदान का हिस्सा बनाएं और अपने बच्चों को अपनी खानदानी जिंदगी में इतना मजबूत बनाएं कि अगर कोई चाहे तो उनको उनके ईमान से दूर ना कर पाए। जी बहुत शुक्रिया नबीला बहन और क्रिस्टिना पीटर साहबा, हमारे पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट और अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि हमारी दोनों खवातीन प्रोफेशनल लेडीज हैं तो माओ की तरबियत के हवाले से अगर वो लास्ट में कुछ एक एक मिनट कहना चाहे तो। जी बिल्कुल। माएं तो जैसी माएं हम मतलब ये तो कहते हैं कि माएं कैसी जनरेशन देंगी, लेकिन ये भी है कि हम माएं जो हैं वो किस सोसाइटी से आती हैं और सोसाइटी कैसे माएं बनाती है। तो मतलब अगर हम आज बच्चियों को अच्छा पढ़ाएंगे तो कल को वो अच्छी माएं बनेंगी। तो माएं भी माओ को अगर सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो वो अच्छी माएं बनती है। एक माँ जिसपे रोज तशद्दुद होता रहे उस माँ ने आगे क्या परफॉर्म करना, जो माँ रोज पिटती हो उसने आगे क्या परफॉर्म करना है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि एक माँ पे सारी जिम्मेदारी डाल देना, इसको मैं हमेशा अनफेयर कहती हूँ। दूसरी बात यह है कि जो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आम बहुत पुरानी कहावत है मुहावरा है, तो पेरेंट्स जो कुछ अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वो उनके सामने करके दिखा, मतलब अगर बच्चे को हम चाहते हैं कि वो सच बोले तो हम बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलें। इसी तरह जो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मेहनती हो तो हम खुद भी मेहनत करें, हार्डवर्क में बिलीव रखें। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम नमूना बन के बच्चे के सामने करें तो बच्चा उनको अडॉप्ट करता है। अगर पेरेंट्स में ऑनेस्टी होगी तो बच्चा भी सीखेगा। तो बस ये है कि पेरेंट्स को नमूना बनना होता है। बहुत शुक्रिया नबीला साहबा। ये माँ जो है, माँ उसी खानदान से आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत, वो भी बच्ची होती है, फिर उसके वालदन उसकी माँ उस पर तवज्जो देती है, बाप देता है, वही बेटी जो है वो कल तभी वो माँ बनेगी। बिल्कुल जी। तो इसलिए ज्यादा चाहे बाइबल आप बाइबल भी देख लो,
तो उसने हमेशा जो है वो औरत पे ज्यादा जोर इसलिए जोर दिया कि उसने उससे नस्लें जो हैं दूसरी आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। और वाइस भी अगर आप देख लो सारे आप देखें तो औरत इस वक्त सबसे जहीन तरीन समझी जाती है। मर्द स्ट्रांग है लेकिन औरत को जहानत खुदा ने मर्द के नस्बत ज्यादा दी है। ये अब मैं इनसे पूछता हूँ कि वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ क्रिस्टीना साहबा? जी मैं इत्तेफाक करती हूँ कि माओं का बहुत मेन रोल है। माएं जो है वो अगर खुद आज मुश्किल वक्त गुजार के तो अपने बच्चों को कामयाब करती हैं तो कल को उसको उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और ये तारीख में और हमारे खानदानों में देखा भी गया है, जिन माओं ने ठान ली है कि मैंने अपने बच्चों को कामयाब करना है वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन चूंकि आज का टॉपिक है बच्चों की तरबियत में खानदान का किरदार, तो इसलिए बाप का भी मैं समझूंगी कि बाप को भी उतना ही, उस बाप का भी रोल बनता है अपने खानदान को मजबूत करने में, लेके चलने में। दूसरा, अगर खानदान कहें हमारे मुआशरे में तो खानदान हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम भी आ जाता है, चाचे ताए दादा दादी भी साथ आ जाते हैं, तो फिर हमें उनको भी साथ लेके, अगर हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं तो इसलिए मैं समझूंगी कि जो बच्चे के वालदैन हैं उनको बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए, उनकी तरबियत के लिए उनकी कंपनी को देखना चाहिए, अपने बच्चों को एक विजन देना चाहिए और उनकी करेक्टर फॉर्मेशन पे जितना भी वो काम कर सके वो करना चाहिए। तो ये खानदान जब मिलके ठान लेता है कि जी हमने अपने बच्चों को कामयाब करना है तो बच्चे कामयाब होते हैं। और वो दूसरा मैं फिर आखिरी बात कहना चाहूंगी कि यहाँ एक नहीं हमारे पूरे मुआशरे को, हमारे चर्चिस को, हमारे अदारों को, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे स्कूल है, सबको यहाँ रोल प्ले करने की जरूरत है एक बेहतर और अच्छी कॉम बनाने के लिए। जी जी जी, और मैं इजाफा भी करूँ कि गवर्नमेंट का भी इसमें बड़ा हक होता है। हम एक सिर्फ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं सोच रहे, हम ये सारे सोच रहे हैं कि जब गवर्नमेंट भी ऐसे लॉज, ऐसे प्रोटेक्शन, ऐसी चीजें करेगी सख्ती से तो एक बड़ा अच्छा माशरा पैदा होगा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नबीला बहन आपका बहुत मशहूर भी हूँ, आपने बहुत वक्त दिया, आपकी ये खिदमत बहुत बड़ी खिदमत हैं, आपके जे के पीटर साहब की और आप दोनों की बड़ी खिदमत है। खुदा आपको और नेमतें अता करें कि आप कम्युनिटी की बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें। इसी तरह क्रिस्टीना पीटर साहबा आपका भी कि आपने वक्त भी दिया, अपना जॉब भी पर थी, फिर वक्त भी दिया, फिर आपने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत दी। और फिर सवाल वो पैदा होता है कि कई दफा कहते हैं कि जी पढ़ी लिखी तो कर लेती हैं, अनपढ़ नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमें सबको अवेयरनेस देनी है कि वो चाहे एक अनपढ़ भी है नहीं है, लेकिन वो अगर फराइज बेहतर तौर पर माँ का, बहन का भी, भाई अपना फराज करता तो बेहतर होता है। तो इजाजत चाहूंगा अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत कंपेयरिंग भी की, एक होस्ट की हैसियत से बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो नाजरीन ये आज की गुफ्तगू यकीनन आपने इससे इस्तफादा किया होगा और फिर ऐसा ही टॉपिक लेकर आएंगे क्योंकि ये एक जो ग्रास रूट पे काम है, बेसिक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम बच्चों की प्रोटेक्शन या बच्चों की हिफाजत के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, आप अपनी एहतियात कीजिएगा, अपने घर की सबसे पहले अपने घर को आप देखें, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे बहन है, चाहे भाई, कोई भी रिश्ता है, दादा नानी, सब एक असर होता है घर पे, उसका ख्याल रखिएगा। गली मोहल्ले का भी ख्याल रखिएगा, इसी तरह गली मोहल्ले से ही आगे माशरा, माशरे से मुल्क बनता है। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा आप सबका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज्यादा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।